हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमक पारे, जिसे मैंने काजू का शेप दिया है। इसके लिए हम लेंगे आधा कप बेसन, एक कप गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। 3/4 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे। अब इसमें घी डालेंगे, 2 या 4 से 5 टेबलस्पून जितना मैंने घी डाला है मेल्ट करके। अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मसाला भी रेडी किया है, तो इसमें अंदर कुछ भी डाला नहीं है। ऊपर से हम इसे स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही ये खस्ता बहुत ही टेस्टी बने थे। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, एक बॉल बना के देख लेंगे। अगर वो अच्छे से बन रही है, इसका मतलब मोइन बराबर है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा लगा देंगे इस तरह का, तो ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़क आटा भी नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने लगाया है। अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10-15 मिनट के बाद में हम ओपन करेंगे। यहाँ मसाले के लिए मैंने हींग और थोड़ी सी हल्दी, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून मिक्स किया है। सूखे हुए करी लीव्स और भुनी हुई सौंफ और जीरा लिया है। लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पुदीना का सूखा पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। नमक डाला है थोड़ा सा, और 1/2 टीस्पून जितनी शक्कर डाल दी है। अब इसमें मैंने अजवाइन भी बाद में डाला था, 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन डाल के इसको सब ग्राइंड कर देंगे मसाले को। बहुत ही टेस्टी मसाला बन के रेडी हुआ है। अब हम ले लेते हैं अपना आटा, ये सेट हो गया है। 1 चम्मच घी और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा मसल के सॉफ्ट कर देते हैं, तो स्मूथ हो जाएगा, बेलने में आसानी रहेगी। ऑयल गरम करने को रख देते हैं। अब इसकी मैंने 2 बॉल्स बनाई है और बड़ी बेल दी है, थोड़ी सी थिक रखी है। तो इस टाइप से हमें शेप देना है। आप कोई भी ढक्कन या कुकी कटर से, या फिर आपको अगर स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने शेप दे के सारे बना दिए हैं। अब ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब इन्हें फ्राई कर देते हैं। ऑयल ऐसा गर्म होना चाहिए कि ये बबल जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, ये ही राइट ऑयल है। और अगर हमारा आटा और ऑयल दोनों बराबर हैं, तो ये आराम से ऊपर आएंगे, हमें इन्हें हिलाना भी नहीं पड़ेगा। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। काफ़ी एक खस्ता बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। मसाले को मैंने छान के डाला है, ताकि कोई अजवाइन का टुकड़ा या बीच में नहीं आए। बहुत ही ये टेस्टी भी बने हैं। ऊपर से मसाला चिपक नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दिए और इसे चिपका दिया है। एक बार आप ज़रूर बनाइए इस तरह से।